नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहां दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया क्षेत्र से आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम चंपारण के लौरिया में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार की महागठबंधन की सरकार पर जमकर हमला बोला। उनके निशाने पर खास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। अमित शाह ने जदयू का एनडीए से नाता तोड़ने को लेकर सीएम नीतीश पर प्रहार करते हुए कहा कि नीतीश जी को हर 3 साल में पीएम बनने का सपना आता है। अमित शाह ने कहा, पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, मगर हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि हमने वादा किया था, मगर नीतीश को हर 3 साल में पीएम बनने का सपना आता रहता है। जेपी नारायण जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़े, नीतीश ने जिस जंगल राज के खिलाफ लड़कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, उन्हीं लालू यादव की गोद में जाकर बैठ गए। नीतीश बाबू बहुत आया राम गया, राम कर लिए हैं, बीजेपी के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए हैं। इसके बाद उन्होंने जदयू और राजद के गठबंधन पर करारा वार किया। अमित शाह ने कहा, आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन पानी और तेल जैसा है, दोनों कभी नहीं मिलते हैं। आरजेडी तेल तो जेडीयू पानी है। पीएम बनने के लिए कांग्रेस और आरजेडी की शरण में गए और बिहार बंटाधार कर दिया। जिन लोगों ने भी नीतीश को पीएम बनाने का झुंझुना पकड़ाया है, अमित शाह ने सीएम नीतीश द्वारा पीएम पद की तैयारी पर तंज कसते हुए कहा, वे करोड़ों रुपए का विमान भी खरीद रहे हैं, मगर केंद्र में जगह खाली नहीं है। 2024 में मोदी ही आने वाले हैं। मैं मोदी का हिसाब लेकर आया हूं, आप में साहस हो तो आरजेडी और कांग्रेस का हिसाब जनता के सामने रखें। यूपीए सरकार ने 1.36 लाख करोड़ पर निर्धारण नीति के तहत दिया था, मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर 2,83,452 करोड़ रुपए कर दिया। अमित शाह ने विशाल जनसमूह के सामने चंपारण की धरती को नमन करते हुए कहा, महर्षि वाल्मीकि की ये भूमि मोहनदास गांधी को महात्मा मोहनदास गांधी बनाने वाले इस चंपारण की भूमि को प्रणाम करता हूँ। ये भूमि बहुत ही पवित्र भूमि। रिपोर्टर मोहम्मद रईसुल आजम के साथ कैमरामैन कलीम कुरैशी की खास रिपोर्ट। महत्वाकांक्षा ने बिहार का बंटा धार कर दिया। मित्रों, जिन लोगों ने भी के बात नहीं किया, करनामा के बाद नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनाने का पकड़ाया है, जिसके लिए नया विमान भी खरीद रहे हैं, आपका करोड़ों रुपया विमान पर जाया कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं वहां जगह खाली नहीं है। 24 मई तो मोदी जी आने वाले हैं। माता और भाइयों बहनों, आज पूरे बिहार की स्थिति आरोजक स्थिति बनी हुई है। अपराध फिर से चरम पर जा रहा है। कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। नीतीश बाबू में तो हिम्मत नहीं है कि लाल टेन की लौ को बुझाए, मगर मैं बिहार की जनता को कहने आया हूँ, इस बार ऐसा सबक सिखाइए कि बिहार में दल बदल करने वालों चुप हो जाए। क्या सिखाएंगे आप? सिखाएंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है। नीतीश जी, आपको जो करना वो करो, परंतु ये जो लट्ठा कांड होते हैं जनसांख्यिकी बदलने का काम जो लोग करते हैं, आज उनको रोकने की नीतीश बाबू में हिम्मत नहीं है। मगर मैं कहता हूं कि आप एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, हम इस जनसाथी की बदलने का काम अंगद के पैर की तरह रोकेंगे। मोदी जी ने दिए पहला प्रोजेक्ट
और तीसरा बेतिया पटना हाईवे का निर्माण। मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए परंतु नीतीश बाबू है कि जमीन ही नहीं दे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का उन पर दबाव। मुझे बताओ भाई, ये तीनों प्रोजेक्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। ये नीतीश लालू की सरकार रहते होगा क्या? नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। मित्रों, मेगा टेक्सटाइल पार्क हमने भेजा, आज भी उनकी भूमि नहीं मिली। लक्ष्यों में बनने वाले हवाई अड्डे के लिए भी भूमि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मैं नीतीश बाबू को कहता हूं, प्रधानमंत्री जब बनना है तब बनना। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 15,000 करोड़ रुपया की मदद बिहार को भेजी है, इसमें रोड़ा मत बनिए, रोड़ा मत बनिए, न वरना बिहार की जनता आपका हिसाब किताब कर देगी। मित्रों, मैं आज एक गुप्त समझौते की बात कर रहा हूं, नीतीश कुमार जी को चैलेंज भी कर रहा है। नीतीश कुमार जी ने लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है। आपको मालूम है क्या? मालूम है ना? मगर नीतीश जी तिथि नहीं बताते। आरजेडी वाले अस्वस्थ। मैं नीतीश जी को कहता हूँ, लोकतंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए। आपने लालू जी के बेटे को अगर मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है, तो आरजेडी वाले विधायक रोज एक दो मांग करे हैं। आपने पता देना चाहिए कि भाई हम इस तिथि को उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। और फिर से जंगल राज, पूरा जंगल राज आधा तो आ ही गया है, पूरा जंगल राज प्रस्तावित करेंगे। बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? तो आप लोग पूछेंगे, जरा जोर से बोलो, पूछेंगे नीतीश बाबू को? पूछेंगे। मित्रों, हमने सोमेश्वर मंदिर को प्रसाद पश्चिम चंपारण चंपारण जिले में 80,000 लोगों को आयुष्मान भारत के कार्ड दिए, 5 लाख तक का पूरा खर्चा स्वास्थ्य का अब नरेंद्र मोदी जी उठा रहे हैं। मित्रों, नमामि गंगे योजना के तहत गंडक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया, जिससे व्यापार बढ़ने लगा है। पश्चिमी चंपारण के सांसद श्री संजय जायसवाल के प्रयासों से सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेस नौतन से होकर गुजरने वाला है। मुजफ्फरपुर में सुगोली तक 100 किलोमीटर का रेल लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण करने का 1500 करोड़ रुपए का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। थारू जनजाति अभी थारू जनजाति के बरना उत्सव को मोदी और 500 करोड़ के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पश्चिमी चंपारण में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई है, नरकटियागंज में ITI कॉलेज खुल गया है, रामायण सर्किट वाल्मीकि नगर बहुत जल्दी ही रामायण सर्किट से जुड़ने वाला है। रोज हजारों यात्री वाल्मीकि नगर में आएंगे, ऐसी बात है। मित्रों, आज मैं नीतीश बाबू को और लालू जी को पूछने आया। लालू जी, हमारे पहले आप केंद्र सरकार में थे, UPA की सरकार में मंत्री थे, और नीतीश बाबू अब आप लालू जी की गोदी में बैठे। मैं दोनों को पूछना चाहता हूं, जब केंद्र में UPA की सरकार थी तब कितना रुपया दिया था? मित्रों, 2009 से 14 के बीच में सिर्फ 50,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था?